तो आज एक बात विशेष रूप से, आज हम गणेश जी की महिमा के साथ साथ आज बहुत ही जबरदस्त एक बात सुनेंगे। लिख के देता हूं कि YouTube के इतिहास में आज जब से YouTube, क्या YouTube 30-25 साल से होगा, 25 साल में कोई वीडियो YouTube में आया नहीं होगा इस बात पर। क्या बात पर आज बात करने वाले हैं? अभी देखिए, कोई बड़ा सा पैसे वाला है, सुखी है, लोग उसको देख के कहते हैं कि क्या विधाता ने इसका लेख लिखा, बड़ा मजा है इसके जीवन में। और कोई दुखी है तो क्या कहते हैं, इसकी तकदीर फोकरे, इसकी तकदीर फोरे, कहते हैं कि नहीं। तो क्या ब्रह्मा ये ललाट पर क्या लिख के भेजते हैं, कभी सोचा आपने? कहां है वो लिखा हुआ लेख? भाग्य जिसको आप बोलते हो, कभी सोचा भाग्य कहां है? दिखा आपको कोई भाग्य? दिखता तो सुधार नहीं लेते, सुधार लेते तो दिख रहा, कहां दिख रहा है बताओ? आज बहुत ही गुड बात समझेंगे, इसको अच्छे पढ़े लिखे हुए लोग सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये बात भी थोड़ा समझने जैसा बात है। कथा तो भोले भाले लोगों के लिए है, जनमानस के लिए। कथा क्या है? सरल से सरल लोग भी मुक्ति पाए उसके लिए कथा है। ज्ञान क्या है? ज्ञान जो विकसित हो चुके हैं उन विकास के क्रम में सर्वोत्तमता प्राप्त करने का माध्यम है ज्ञान। दोनों में फर्क है। मैं कथा बोलूं तो कोई भी समझ सकता है, लेकिन मैं ये जो बातें करता हूं बहुत कम, क्योंकि सभा में देखता हूं कि कौन है, फिर सोचता हूं कि ये YouTube में होगा तो कोई ना कोई तो इसका फायदा उठाएगा। तो कहते हैं कि विधाता अपने मस्तक में ललाट पर कुछ लेख लिख के भेजते हैं सबके। आप बोलते हो ना तकदीर का लेख, शास्त्र कहता है कि वो यहीं लिखा हुआ है। कहां पर? ऐसे ही तो मानते हैं। तकदीर कहां लिखा होता है? क्या वास्तव में कोई लिखा हुआ होता है? नहीं, नहीं होता है। कैसे नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो फिर शास्त्र में लिखा हुआ झूठ हो जाएगा, फिर ये कथा, ये शास्त्र, ये भजन, ये सभा झूठा हो जाएगा। भाई थोड़ा सोच के बोला करो। अगर शास्त्र बोलता है कि विधाता लिख के भेजते हैं तो शास्त्र को मानता हो वही सनातनी है। सनातनी कौन है? हाँ, आप उसको झूठ नहीं बोल सकते। शास्त्र में लिखा है तो होगा ही। आपको नहीं दिखता है तो भूत है, प्रेत है, पिचाच है, राक्षस है, किन्नर, किमपुरुष, यक्ष, गरुड़, गंधर्व आदि देवता है। आपको दिखते हैं? आपको दिख रहे हैं? तो फिर क्यों बैठे कथा सुनने भाई, जब दिख नहीं रहा है तो? हम विश्वास करते हैं, और नहीं दिखे तो चले, विश्वास नहीं करे तो नहीं चले। ये बहुत जरूरी है। नहीं दिखेगा तो चलेगा, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा जी भगवान। कई चीजें दिखती नहीं है जी। उन सभी चीजों पर हमारे जीवन में एक विश्वास जिसको हमने स्थापित करके जीवन में अग्रसर होने का भाव पाया, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म और कुछ नहीं है। धर्म किसी क्रिया का नाम नहीं है। वो पराशक्ति जिसने इस धरती को बनाया उस पर विश्वास रखना ही धर्म है। वो और क्या धर्म है? जय जय विजय। तो कल तक हमने कहानी सुनी। कल हमने सुना कि अनलासुर को गले में निगल के रखने के कारण गणेश जी को कितना कष्ट हुआ। अब इस कथा में आप 11 दिन में ये सब पुराणों को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी पुराण को आप लोगे, पुराण के नायक ने ही इस धरती को, भुवन को, देवी देवताओं को बनाया। ये हर पुराण में आता है। देवी भागवत सुनोगे तो देवी माँ ने ही शिव, ब्रह्मा,
विष्णु आदि को प्रकट किया, ऐसे देवी भागवत में आता है। गणेश पुराण को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ पड़ेगा कि ये गणेश पुराण हर युग में गणेश जी एक नाम से पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होके उसके पुत्र बनते हैं, और गणेश पुराण में ये पूरा विस्तृत वर्णन है कि गणेश जी आदि परब्रह्म किस प्रकार से शिव ब्रह्मा विष्णु को प्रकट करते हैं और ये धरती को संचालित करने की शक्ति देते हैं। इन गणेश पुराण में गणेश जी ने ही विष्णु को, ब्रह्मा को, शिव को प्रकट किया, उनकी शक्तियों को उनसे मिलाया और उन सबको विभिन्न प्रकार से धरती को चलाने की आदेश दी, ऐसे गणेश पुराण में वर्णन है। गणेश पुराण के हिसाब से तो आदि पर ब्रह्म गणेश जी ही है। कौन है? गणेश जी। और हर युग में माता पार्वती गणेश जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करके पुत्र के रूप में प्राप्त करती है। तो एक युग की कथा अब हम सुनने जा रहे हैं। क्या सुनने जा रहे हैं? एक युग की कथा भगवान। हाँ, एक युग में सिंधु नाम का एक राक्षस भयंकर अत्याचारी। आदित्य अब देखिए, सिंधु नाम का एक राक्षस भयंकर शक्तिशाली बन के वरदान प्राप्त करके 33 करोड़ देवताओं को पराजित करके परेशान करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी प्रकार से अपना स्थान छोड़ के उस सिंधु से बचने के लिए कहीं भटक रहे हैं। शंकर जी गंगा और गौरी के साथ त्रिसंध्या नाम के क्षेत्र में आते हैं। उस क्षेत्र का नाम है त्रिसंध्या। क्या नाम है? त्रिसंध्या। बोलो महाराज, आपको बोलना, जो बोलना बोलो, हमको थोड़ी उसको याद रखना है, हमको थोड़ी याद रखना है, हमको तो सुन के इस कान में लेके, हमने कई कथाएं सुनी, हमारे उम्र 40-50-60 हो गया, कहीं सुना इधर से गाला ने इधर से निकाला, हमारा काम ही यही तो है। त्रिसंध्या क्षेत्र में आए हुए शंकर जी को देख के वहां निवास करने वाले गौतम आदि ऋषि, जिन्होंने सिंधु के अट्टहास से वेद स्वाहा स्वदा वशटकार आदि मंत्र आहुतियां छोड़ करके कहीं छुप के बैठे थे, सब भगवान शंकर के आने से प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर को प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु आपके पदार्पण से हम धन्य हुए, जैसे अंधे को आंख मिल गया हो, जैसे भूखे को भोजन मिल गया हो, जैसे प्यासे को ठंडा पेय जल मिल गया हो, वैसे आपके आने से हम प्रसन्न हुए। प्रभु आप पधारिए, आपको प्रणाम। त्रिशूलधारी ढमरूधारी भगवान शंकर प्रसन्न होके कहते हैं, भैया मैं भी भटकते भटकते यहाँ वहां करते इस जगह में आया कि यहाँ रह के तपस्या करूं। क्या करूं? तपस्या। जगदीश्वर का ध्यान करूं। किनका? जगदीश्वर। ऋषि मुनि से गौतम मुनि 88,000 मुनिगण मिलके उनको ले जाते हैं, एक उचित स्थान में शंकर पार्वती को ठहराते हैं। भगवान शंकर और पार्वती प्रसन्न होके उस जगह में ठहरते हैं। उस समय पार्वती माँ पूछती है, प्रभु आपने उन मुनियों को कहा कि आप किसी जगदीश्वर का ध्यान करोगे, जगदीश्वर तो आप ही हो, तीनों लोकों के सृष्टि पालन और संहार तो आप करते हैं, आप महान होने से महेश्वर हो,
फिर आप किस जगदीश की पूजा करोगे? प्रभु आदि अनादि पर ब्रह्म सर्वत्र सर्व मंगल सार्वभौम तो आप हो, आप किसकी पूजा करोगे, किसका ध्यान करोगे? हे पार्वती, जब कुछ नहीं था, एक पर ब्रह्म था, वो पर ब्रह्म ने हम तीन लोगों को पहले प्रकट किया। मैं शंकर के रूप में प्रकट हुआ, पालन करता विष्णु के रूप में प्रकट हुए, और सृष्टि करता ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए। तीनों को उस परम शक्ति ने मुझे संहार करने के कारण तमोगुण दिया, विष्णु को पालन करने के कारण सत्व गुण दिया, ब्रह्मा को सृष्टि करने के कारण रजोगुण दिया। तीन गुणों को विभाजित करने के कारण वो आदि पर ब्रह्म ने 14 भुवन बनाए, अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए, सब बना के उनकी सृष्टि स्थिति और पालन और संहार की व्यवस्था हम तीनों को दिया। ये तीनों विभाजन करने के कारण वो पर ब्रह्म का नाम, तीनों गुणों का विभाजन करने के कारण गुणों के विभाजन करता होने से गुणेश नाम रहा। जे जे जे। क्या नाम? गुणेश। वही गुणेश दूसरे युग में गणेश के रूप में भी पूजे जाते हैं। पार्वती, उसी गुणेश की, उस गणेश की मैं हरदम ध्यान करता हूं, और उन्होंने ये ब्रह्मांड को बनाया, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बनाया, 14 भुवन तीन लोक को बनाया, उनको प्रणाम करके उनकी भक्ति करके मैं धन्य होता हूँ, उनका ध्यान लगा के मैं प्रसन्न होता हूँ। पार्वती माँ आश्चर्य से पूछती है, प्रभु क्या आपसे भी बड़े कोई परब्रह्म है? पार्वती, मैं कह रहा हूं कि मैं उन्हीं से प्रकट हुआ, उन्होंने प्रकट ही नहीं किया, गुणों से विभाजित होके गुणेश भी बने और हमको तीन गुण देके मुझे तमो गुण से संहार करने, विष्णु को सत्व गुण से पालन करने और ब्रह्मा को रजो गुण से सृष्टि करने की शक्ति भी प्रदान की। तो प्रभु क्या मैं उनको प्राप्त करने के लिए भक्ति कर सकती हूँ? मैं भी उनका ध्यान कर सकती हूँ? पार्वती, उनका जो ध्यान करता है वो परब्रह्म को प्राप्त करने का परम तत्व का अधिकारी बन जाता है। तुम उनका क्या ध्यान करोगी? उनका ध्यान बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं किए, लेकिन तुम इच्छा कर रही हो तो मैं उनको प्राप्त करने का मार्ग बताऊंगा। यहां जो त्रिसंध्या क्षेत्र में हम सिंधु राक्षस के डर से आके सब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि अपने अपने लोक छोड़ के भटक रहे हैं, तुम्हें पार्वती लेखनाद्री पर्वत पर जाना पड़ेगा। उस लेखनाद्री पर्वत में 12 वर्ष तक तुम एकाक्षरी मंत्र का अगर जाप करके ध्यान करोगी, उस ध्यान के प्रभाव से उन पर ब्रह्म गणेश का दर्शन तुमको होगा और उनकी कृपा तुम पर होगा। क्या पार्वती तुम ये करने में समर्थ हो? माता पार्वती भगवान शंकर को कहती है, आप जिनकी पूजा ध्यान करते हैं, आप मेरे प्रिय पति हैं, तो आप जिनका ध्यान करते हैं उनका ध्यान करना मेरा कर्तव्य बनता है प्रभु, तो मैं भी उनकी सेवा भक्ति करके मेरे जीवन को धन्य बनाऊंगी। मैं यहां से जाऊंगी लेखनाद्री पर्वत पर, लेकिन मुझे साधना मंत्र की दीक्षा देने की कृपा करें। एकाक्षरी मंत्र कौन सा है महाराज? एकाक्षरी मंत्र से उस दिन दुर्वा चढ़ाया था, गम 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 गम, आपको लगा गुरुदेव कई गम 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 कर रहे हैं, कितनी गम गम बोला उस दिन पता है? 624 गम, 624 गम में एक आवृत्ति होती है, एक साथ बोला था मैंने। तो ये गम जो है गणपति का एकाक्षरी मंत्र है। क्या है? एकाक्षरी मंत्र। शास्त्र कहता है कि भगवती का एकाक्षरी है रीम। क्या है? रीम। लक्ष्मी का एकाक्षरी है श्रीम। सरस्वती का एकाक्षरी है आईम। दुर्गा का एकाक्षरी है दम। गणपति का एकाक्षरी है गम। भैरव का एकाक्षरी है भम।
शिव का एकाक्षरी है शिम, तो एकाक्षरी में बहुत शक्ति होती है, मन एकाग्र हो जाता है। और हमारे श्वास के साथ अगर किसी को संतुलित करना हो तो बड़े मंत्र श्वास में संतुलित नहीं होते, श्वास जाके आए जब तक मंत्र बोलते ही रहो वो मंत्र श्वास के साथ अपना तालमेल नहीं बैठाता। जो एकाक्षरी है हर श्वास के साथ जुड़ के थोड़े समय में अजपा जप बन जाता है। तो भगवान शंकर ने गम गाम गिम गीम गुम गैम गम गाम गिम गीम गुम गैम आदि न्यास एकाक्षरी मंत्र विद्या का दीक्षा सब पार्वती माँ को प्रदान किया। कहा पार्वती जिस दिन तुम्हारा मैंने हाथ पकड़ा उस दिन जितना प्रसन्न हुआ उससे करोड़ गुना आज प्रसन्न हो रहा हूँ, क्योंकि आज जिनको मैं ध्यान करके अपने हृदय में स्थित करके सदा आनंद पाता हूं उस परब्रह्म की तपस्या करने तुम जा रही हो तो आज मैं करोड़ गुना प्रसन्न हूं, आज करोड़ गुना आनंदित हूं। आपकी तपस्या सफल हो पार्वती, आप तपस्या में प्रस्तुत होइए। शंकर भगवान की आज्ञा लेके पार्वती माँ त्रिसंध्या क्षेत्र से लेखनाद्री पर्वत पर पहुंचती है, और लेखनाद्री पर्वत पर जब जाती है माता अपनी सखियों को कहती है सखियों अब तुम सब अपने स्थान पर जाओ मैं तपस्या करूंगी। सखियां कहती है विस्मय में कि माँ आप तपस्या तो करोगी लेकिन आपके लिए फल कौन लाएगा, आपके लिए भोजन कौन, पानी व्यवस्था कौन करेगा, आपके स्नान पान का व्यवस्था कौन करेगा। अरे सखियों प्रभु परब्रह्म गुणेश की जो साधना है उसमें क्या भोजन करेंगे, उसमें क्या फल फूल खाएंगे, वायु को भी निरोध करके 12 वर्ष तक श्वास लिए बगैर मैं तपस्या करूंगी। जब वो परमेश्वर भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान की तपस्या भोग और मोज से होता नहीं है सखियों, उनकी तपस्या बड़े ही इंद्रिय निग्रह के साथ होता है। इसलिए मैं उनकी तपस्या मन को मार के करूंगी, इंद्रियों का निग्रह करके करूंगी। सभी सखियां आश्चर्य में पड़ गई कि भगवती भोजन नहीं करेगी, माता कम से कम पानी तो पी लिया करो, 12 वर्ष तक पानी पिए बगैर कैसे रहोगे। अरे मैं कह रही हूं कि पानी की बात दूर, अभी तुम लोग जाओगी तो मैं कुंभक योग सिद्धि के द्वारा श्वास को भी निरुद्ध कर लूंगी और 12 वर्ष तक बगैर श्वास लिए उनका जाप करूंगी, मैं कह रही हूं। भगवती ने कुशासन बिछा करके उत्तर मुखी बैठ करके उस पर मृग चर्म का आसन बिछाया, मृग चर्म के आसन पर बैठ करके पद्मासन में स्थित होकर के गणेश मुद्रा करके स्थित हुई और अपने श्वास को अंदर खींच के मूलाधार चक्र में स्थित किया, सुषुम्ना नाड़ी से होने वाले हलचल को निरुद्ध किया, प्राण वायु को स्तंभित किया और अपने हृदय में एकाक्षरी मंत्र को जाज्वल्यमान तेज के साथ देखना शुरू किया और बैठ करके तपस्या प्रारंभ की। वर्षा ऋतु समाप्त हुआ, शरद ऋतु प्रकट हुआ, शरद ऋतु समाप्त हुआ, शीत ऋतु प्रकट हुआ, शीत ऋतु समाप्त हुआ, वसंत ऋतु प्रकट हुआ, वसंत ऋतु समाप्त हुआ, ग्रीष्म ऋतु प्रकट हुआ, ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो रहा, वापस अगला ऋतु वर्षा ऋतु प्रकट हो रहा है, ऋतु में बदल रही है, वृक्षों में पत्ते गिर रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं, वर्ष जा रहे हैं। पार्वती माँ ने एक क्षण के लिए भी 12 वर्ष में अपने पैर का अंगूठा भी नहीं हिलाया, शरीर के रोम को भी नहीं हिलाया, मात्र उस गणेश जी के ध्यान में, उस महागणेश के चिंतन में पूर्ण रूप से लीन हो गई। कितने वर्ष बिताए, कितने वर्ष, 12 पूरे 12 वर्ष बीतने के दिन आए। जब अंतिम 12 वर्ष का अंतिम दिन हुआ
उस दिन भगवती अपने ध्यान में मग्न होकर के मस्त होके बैठी। भगवती के तपस्या से माँ पार्वती का शरीर देदीप्यमान हो गया, ज्योतिर्मय हो गया। शरीर की कांति तपस्या की अग्नि प्रकट होकर के चारों तरफ व्याप्त होने लगी। 12वां वर्ष पूरा हुआ। सामने आदि परब्रह्म सर्वलोक हितेशी षड्भुजाधारी चंद्रधारी सर्व मंगलकारी विघ्नहारी आनंदकारी संकटहारी भगवान गणेश पार्वती के सामने प्रकट हुए। प्रकट होकर के भगवान गणेश ने कहा, हे भद्रे, हे पार्वती, तुम्हारी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे पति श्री शंकर सदा मेरा ध्यान करके संहार के अपने कर्तव्य को भली भांति परिपालित करते हैं। आज उनकी पत्नी बनके तुमने भी मेरी दर्शन पूजा की इच्छा से जो तपस्या की है, तुम्हारी तपस्या फलीभूत हुई और आज मैं प्रकट हुआ हूँ। क्या मांगना चाहती हो भगवती, मांग लो। मैं आज असाध्य को भी देने की प्रसन्नता के साथ तुमको वरदान देता हूँ, जो मांगना है मांग लो। सामने कोटि सूर्य प्रकाश युक्त गणेश जी का दर्शन करके प्रणाम करके माँ पार्वती सोचती है कि मेरे पति कैलाशवासी भगवान भोलेनाथ जिनका हृदय में हरदम ध्यान करते हैं, उनका आज दर्शन करके मैंने अपनी पत्नी बनने के कर्तव्य को भली भांति पूरा किया और मेरा जीवन सफल हुआ। आपको प्रणाम करती हूँ प्रभु। अब क्या मांगू, मैं आपके दर्शन से ही धन्य बन गई। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। गणेश जी कहते हैं, हे भद्रे, हे भगवती पार्वती, मेरा दर्शन कभी किसी को खाली नहीं जाता। तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं तो तुम्हारी इच्छा कोई भी हो, असाध्य से असाध्य इच्छा को पूरी करने की ताकत और क्षमता आदि परब्रह्म में गणेश रखता हूं। मैंने ही ब्रह्मा को प्रकट किया और सृष्टि का काम दिया। मैंने ही विष्णु को प्रकट किया और पालन का काम दिया। और मैंने ही शंकर को प्रकट किया और संहार का काम दिया। तीनों देवों को तीन गुण देने के कारण मैं गुणेश के नाम से जाना जाता हूं। मेरे प्रकट किए हुए शंकर की पत्नी होने के कारण मुझसे कुछ भी मांगने का तुम अधिकार रखती हो। क्या मांगना चाहती हो, मांग लो मेरे से। भगवान के अत्यंत आग्रह को देखते हुए पार्वती मां ने कहा, आपके दर्शन से जैसे चंद्र को देखते ही चातक पक्षी का प्यास बुझ जाता है, वैसे मेरा प्यास बुझ चुका है प्रभु। अब आपसे मैं क्या मांगूं, लेकिन आप कह ही रहे हो मांगना कुछ, तो मैं इतना ही मांगती हूं। आपने कहा कि असाध्य से असाध्य चीज भी मैं तुम्हें दूंगा, तो आप आदि परब्रह्म कहते हो कि मैंने 14 भुवन तीनों लोकों को ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया और मैं ही परब्रह्म हूं, सबको बनाने वाला मैं ही हूं। तो मैं पार्वती चाहती हूं कि आप मेरे पुत्र रूप में बन के मेरे गोद में आए, यही मैं चाहती हूं। मुझे ये वरदान देने की कृपा करें। क्या बनना चाहती हूं, क्या बनना चाहती हूं? मैं मां बनना चाहती हूं आप। भगवान गणेश बड़े प्रसन्न होके माता पार्वती को कहते हैं, हे भद्रे, बड़ा सौभाग्य है जो ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाला, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का परिपालन करने वाला मैं गणेश थोड़े दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए तुम्हारे गोद में खेल के मनोरंजन करूंगा, तो मेरा दिल भी थोड़ा मनोरंजित और बहलेगा। इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम्हारा वरदान सदा सफल होगा। मैं जल्दी ही तुम्हारे गोद में पुत्र के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। ऐसे ही प्रकट होने का दृश्य आप लोग यहां देख रहे हो। ये दृश्य की मूर्ति इसीलिए बनाई गई, माँ पार्वती वरदान मांग रही है और वरदान मांगने वाली माता को वरदान देने वाले गणेश पुत्र रूप में बन के उसके गोद में खड़े हैं। ऐसा
दिव्य स्वरूप का ही हम बठिंडा में दर्शन कर रहे हैं। पावन बठिंडा में कथा चल रही है और इस कथा के अवसर पर हम लोग देख रहे हैं कि भगवान गणेश की भक्ति करके जीवन सफल करने वाले ये गणेश उत्सव के 10 दिन में हम गणेश जी का नाम पूजा भक्ति का पल पल में श्रवण करके आनंद ले रहे हैं और जीवन को धन्य बना रहे हैं। पार्वती माँ भगवान गणेश का दर्शन करके वंदन कर ही रही थी और क्षण में कोटि प्रकाश युक्त गणेश जी अंतर्धान हो गए। जब माँ आंख खोल के देखती है सामने गणेश जी नहीं है, सोचती है कि मैंने सपना तो नहीं देखा। फिर लेकनाद्री पर्वत से निकल करके त्रिसंध्या क्षेत्र में पहुंचती है जहाँ शंकर जी अपने 7 करोड़ गणों के साथ वहां गौतम आदि ऋषि से स्थान प्राप्त करके ठहरे हुए हैं। उस जगह में आकर के पार्वती माँ बहुत ही प्रसन्न होके अपने मस्तक को पति के चरण में नमस्कार करके भगवान चंद्रचूड़ भोलेनाथ को प्रणाम करके कहती है, प्रभु मैं धन्य हुई, आपका उपदेश और मंत्र दीक्षा सफल हुआ। आपने जिस मंत्र को दिया मैंने पानी भोजन त्याग करके पत्ते फूल त्याग करके वायु का निरोध करके श्वास को भी स्तंभित करके 12 वर्ष तक जो साधना किया, इस साधना के प्रभाव से भगवान गणेश प्रकट हुए और मुझे आशीर्वाद दिया कि तेरे पुत्र के रूप में मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसे प्रणाम करके मैंने उनसे वरदान ले लिया। प्रभु सुनते ही शंकर जी प्रसन्न हो रहे हैं कि जिनका मैं अनवरत ध्यान करता हूँ, जिनके ध्यान करके सम्मार का कार्य करता हूँ, जिनका ध्यान करके विष्णु पालन का काम करते हैं, जिनका ध्यान करके ब्रह्मा सृष्टि का काम करते हैं, वो गुणेश हमारे घर में बच्चा बन के आएंगे। धन्य हो गए हम, धन्य हो गए पार्वती। खूब 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 शुभकामनाएं, तुम पर ब्रह्म परमेश्वर की माँ बनने वाली हो। क्या बनने वाली हो? माँ। हाँ देखो, आप लोग मेरे को एक बेटा हो जाए, मेरे को एक पुत्र हो जाए, हर माँ ये चिंता करती है। हम जो मन में सोचते हैं वो होता हो। आप सबको भी प्रार्थना करना चाहिए कि कोई दैविक शक्ति मेरा पुत्र बन के मेरे घर में। कभी आज तक मैंने कितने कदाओं में लोगों को देखा, महिलाओं को देखा, ऐसी कोई महिला नहीं दिखी जो भगवान को प्रार्थना करती हो कि हे गोपाल मेरे गर्भ में आप आके मेरे घर को नंद घर कर दीजिए, ऐसी प्रार्थना करने वाली एक औरत नहीं दिखी। मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, इतनी रोने वाली औरतें दिखती है। और पुत्र भी आता है, कंस। कौन आता है? हाँ, परेशान करने वाला। इसमें बैठी हुई आधी औरतें तो बच्चों से ही परेशान है। ये जितनी है इसमें आधी तो बच्चों से ही परेशान है, क्योंकि मांगते समय क्या मांगना, बच्चा मांग लिया लेकिन सदगुणी बच्चा मांगना भूल गई, खाली बच्चा ही मांगा, शैतान आ गया पेट में। कौन आ गया है? हाँ, आज के बच्चे कहना कहाँ मान रहे हैं भाई, आप ही देखिए कहाँ तक पहुँच गया दुनिया। ये बोलना बड़ा मुश्किल है लेकिन हम सब ताली बजा के उत्सव मनाएंगे कि भगवान गणेश पार्वती माँ के गर्भ में आने की इच्छा वरदान प्रदान किए हैं और पार्वती माँ के गर्भ में आए। किधर आएंगे? शंकर भी प्रसन्न हो रहे हैं, माता भी प्रसन्न हो रही है, 7 करोड़ शंकर जी के गण प्रसन्न हो रहे हैं। बेटा थोड़ा दरवाजा खोल के देख, एको कम पड़ता है क्या? खोल के देख, चेक कर कल से आज में क्या फर्क है। हाँ, वो भैया को ही हम कोसते रहे, शायद दरवाजे बंद होने से एको आता हो। थोड़ा खुद ही हम कुछ रिसर्च भी कर लें, खाली कताई करेंगे तो थोड़ा थोड़ा साइंटिस्ट का काम भी कर लें तो अच्छा ही है। जय जय गुरुदेव। थोड़ा साइंटिस्ट भी बन जाएं, सत्य वचन गुरुदेव, तो अच्छा होगा। आप जहां होते हैं वहां बसंत ही बसंत है, आपका गुरुदेव नाम ही बसंत है। तो महाराज, जय जय गुरुदेव। भगवती लेकनाद्री पर्वत से त्रिसंध्या क्षेत्र में आके एक सुंदर मंदिर बनवाती है। क्या बनवाती है? सुंदर मंदिर। सोचती है कि जो पुत्र
पुत्र बन के परब्रह्म मेरे पे गर्भ में आएंगे, मेरे पास आएंगे, उन भगवान की मैं पूजा रोज करूंगी, भक्ति करूंगी। सिंदूर से एक मूर्ति बनवाती है, विघ्नराज भगवान गणेश की उस मूर्ति को बनवा के भगवान का प्राण प्रतिष्ठा, उनका ध्यान, उनका पाद्य अर्घ्य आचमणीय जल स्नान आदि करवा के, उनको वस्त्र उत्तरीय उपवेद आभरण आदि पहना के, उनको गंध पुष्पादि दूर्वादि पूजा करके, धूप दीप करके, मोदक आदि नैवेद्य से प्रसन्न करके, वहीं बैठे बैठे ध्यान लगाती है। आप लोग भी कथा में आते हैं, आप लोग भी घर में पूजा करते हैं, लेकिन जिनकी पूजा करते हो उनका अगर स्वरूप को अधिक से अधिक ध्यान करने का अगर प्रैक्टिस चालू करोगे तो वो उनका स्वरूप का ध्यान ही उनको आकर्षित करके आप तक ला सकता है, बाकी कोई भी पदार्थ उनको लाने में समर्थ नहीं है, कोई भी चीज उनको खींच के लाने में समर्थ नहीं है, उनका ध्यान ही उनको ला सकता है। आज सोचो कि सहस्र मोदक चढ़ा दे, लक्ष मोदक चढ़ा दे, कोटि मोदक चढ़ा दे, क्या चढ़ाएं, जिसने बनाया है, जिसने बनाया है उसको हम क्या चढ़ा दें। सत्य वचन गुरुदेव, स्वयं कोई जो चढ़ा देगा वही प्रभु को प्राप्त कर पाएगा, जो स्वयं को चढ़ाएगा। तो क्या चढ़ा के क्या प्राप्त करें, तो भगवती उस दिव्य स्वरूप को बना के उत्तमोत्तम द्रव्यों से उनकी पूजा करती है। फिर पूजा करके आप देखो, आप लोग पूजा करके तुरंत जाके रसोई में कहीं बैठ के अपने आगे के काम में या टीवी देखने में लगते हो कि पूजा करने के बाद आधा घंटा बैठ के उनके स्वरूप का ध्यान करते हो। कौन कौन ध्यान करते हैं वो हाथ ऊंचा करिए। ये याद रखना चाहिए कि जिस स्वरूप की हम पूजा करते हैं, पूजा के बाद थोड़ी देर बैठ के वहां उनके स्वरूप का ध्यान लगाएं। क्या करें, स्वरूप का ध्यान लगाएं। ध्यान लगाते लगाते जब दिल में वो पूर्ण रूप से हमको स्पष्ट दिखने लगेंगे, एक दिन प्रकट में भी दिखना शुरू हो जाएगा उनका स्वरूप। कब ये होगा, जब ध्यान लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे। ध्यान से सब चीज सिद्ध होता है महाराज, ऐसी कोई चीज नहीं जो ध्यान से सिद्ध नहीं हो। पार्वती माँ ने ध्यान लगाया तो अचानक एक दिन शुभ समय भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि ही थी, और उस दिन दोपहर के समय में शुभ वेला में 5 ग्रह उच्च के थे। उस समय में 5 ग्रह कुंडली के हिसाब से उच्च में थे और मध्य आकाश में सूर्य देवता निवास कर रहे थे। उस समय अचानक उस प्रतिमा में करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा तेज प्रकट हुआ और अंदर से एक बालक प्रकट होके बाहर आके खड़ा हो गया। उस दिव्य तेज को देखने में मां पार्वती भी असमर्थ हो गई, उस चकाचौंधी तेज को देख के आंख भ्रमित हो गया और वहीं पार्वती मां मूर्छित होके गिर पड़ी, बेहोश हो गई। प्रकट हुए बालक ने अपने मंदे हंसी से हाथ उठाया, हाथ से निकलने वाले किरण भगवती के शरीर पर गया, मां सचेत होके खड़े बैठने लगी, ऐसे बैठ करके देख रही है कि मैं कैसे बेहोश हो गई। सामने देखे तो वो तेजस्वी ज्योति वहां बालक के रूप में प्रकट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, प्रभु आप सौम्य स्वरूप में आइए, आपका ये दिव्य तेज अनंत कोटि सूर्य समान प्रकट अग्नि को देखने में मैं असमर्थ हूं, आप अपना सौम्य रूप धारण कीजिए। जैसे ही प्रार्थना किया वो बालक एकदम सौम्य रूपी बन गया और कहता है, माता, हे माता, तुमने कहा ना कि मेरे पुत्र बन के आओ, इसलिए मैं पुत्र बन के आया हूं। तुमने कहा कि अपनी शक्ति छुपा लो, मैंने शक्ति भी छुपा लिया, अब मुझे अपने गोद में उठा लो माता, मुझसे खेलो। कौन कह रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड को बनाने वाले पर ब्रह्म स्वरूप भगवान गणेश
बालक बन के भगवती पार्वती को कह रहे हैं कि तुम्हारे वरदान को पूरा करने में प्रकट हो गया हूं, अब मुझे गोद में उठा लो। और मां जैसे ही उस बालक को गोद में उठाया, स्वतः ही बिन मां बने ही मां बनी हुई पार्वती के स्तनों में से झर झर दूध बहने लगे, और उस दूध को गणेश जी को पान करवा करके अपने मातृत्व का आनंद का पूरा संतुष्टि प्राप्त किया भगवती पार्वती ने। मां ही जाने बच्चों का प्यार। अभी हम जैसे पुरुषों को कितना भी कथा में हम समझा भी दें या कोई समझ भी लें, लेकिन पुत्र क्या होता है ये मां से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, पिता नहीं जान सकता। पिता में प्यार हो सकता है, पिता में अपने बच्चे के प्रति लाड हो सकता है, लेकिन ममता शब्द जो मां से निकलता है, पिता के लिए आज तक दुनिया में किसी किताब में ऐसा कोई शब्द नहीं है। कोई नहीं कह सकते कि पिता ममता करते हैं। ममता कौन करते हैं? हाँ, तो पिता जो प्यार करता है उसके लिए कोई किताब में कोई शब्द ही नहीं है। पिता के प्यार को प्यार कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो प्यार है, लेकिन मां जो करती है वो ममता है, उसका कोई तुलना नहीं है तीनों लोगों में, उसका कोई हाँ, मां जो करती है उस प्यार का कोई संसार में तुलना नहीं है, ऐसा प्यार मां करती है। सत्य वचन गुरुदेव। आप सभी माताओं को प्रणाम करता हूं जो अपने पुत्र को पालने के लिए किसी भी प्रकार के चेष्टा को करने के लिए मां तैयार हो जाती है। कई माताएं पति के मरने के बाद अचानक उसके एक्सीडेंट होने से या बीमार पड़ने से जवानी में मर जाता है, उन माताओं को मैंने बर्तन घिसते नौकरी करते देखा। मैं पूछता हूं, माता जी बहुत तकलीफ करते हो? तो हर माता ने मुझे एक ही जवाब दिया है आज तक। हर माता ने, मेरा ये अनुभव है, हर माता ने यही कहा, वो गए तभी मर जाती थी, महाराज बच्चों के लिए जिंदी हूं वरना मैं मर जाती कभी, मैं बच्चों के लिए जिंदी हूं महाराज। तो इसको इसी कारण से ममता कहा जाता है। और ये ममता, कोई पति कोई पुरुष बच्चों के लिए जिंदा हूं कोई बोलने वाला आज तक देखने में नहीं आया। दूसरा शादी कर लेता है खाली 6 महीने 1 साल के अंदर, और स्त्रियां जन्म जन्मांतर तक उन बच्चों को बड़ा करने के लिए, आज किसी बात, कोई बच्चा कलेक्टर है, कोई बच्चा DIG है, कोई बच्चा बड़े नौकरी में है, वो जब इंटरव्यू लिया जाता था है तो कहता है कि मेरी माँ ने कपड़े धोके बर्तन घिस के हमको बड़ा किया, उस माँ के कारण हम आज इस पद पर पहुंचे हैं। ये माताओं की शक्ति। माँ पार्वती की महिमा को जितना कहें उतना कम है। पुत्र वात्सल्य को देखना हो तो पार्वती माँ में देखें, क्योंकि आप लक्ष्मी सरस्वती आदि जितने स्त्री देवता है कहीं भी आपको पुत्र प्राप्ति की कहानी नहीं मिलेगी। अगर पुत्र प्राप्ति और अपने बच्चों के प्रति ममता का अगर कहानी मिलता है तो वो कहानी मात्र पार्वती देवी के श्री चरित्र में ही मिलता है। और ऐसी ममता अपने गणेश को उपद्रव आता देख के महाकाली का रूप धारण किया। ये रूप भी बेटे के आए हुए उपद्रव को मिटाने के लिए, अति उग्र रूप, काली रूप। आप लोग भी बच्चे के लिए काली बन जाती हो, इसीलिए स्त्री तत्व अपने संतान को पालन करने में सर्वोत्तम करुणामय रूप माना जाता है। तो ऐसे रूप को प्रणाम करके आप सबकी तालियों को सुन के मुझे बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, पहले अपन ही बोल देना भैया बहुत आनंद आ रहा, फिर बजा लें बाद में तो भी बजा लें, क्योंकि मुर्दे कब जगेंगे कोई गारंटी नहीं, अपन ही जगा ले मुर्दों को, एक बार जाग जाए मुर्दे सब तो अच्छा रहता है। तो महाराज आज मैं आपको ये गणेश प्राकट्य की कहानी में, आगे भगवान गणेश क्षेम और कुशल नाम के दो राक्षसों को, गृद्रासुर आदि राक्षसों को, गणेश पुराण में जैसे कृष्ण की लीला सुनते हो तो कितने राक्षस गोकुल में आके परेशान करते हैं, एक एक को चानूर आदि को मर्दन करते हैं कि नहीं कृष्ण जी? जी भगवान।
उससे तो कई लाखों गुना राक्षसों को मारते हैं गणेश जी। गणेश पुराण में अगर पूरा अगर इतिहास सुनाओ तो गणेश जी कितने युग में कितने नाम से प्रकट हुए, सुनते ही रह जाओगे। अब हिमालय राज को समाचार मिलता है कि मेरी बेटी पार्वती को पुत्र हुआ। किनको समाचार मिलता है? तो हिमालय राज कैलाश पर्वत वासिनी भगवती पार्वती को मिलने त्रिसिंध्या क्षेत्र में आते हैं और उधर आके कहते हैं, पार्वती में प्रसन्न हुआ सुन के कि मैं नाना बन गया हूँ। क्या बन गया? नाना बन गए हिमालय राज। हाँ, तो उस बच्चे को गोद में लेके हिमालय राज उस बच्चे को नाम रखते हैं हेरम्ब। क्या नाम रखते हैं? हेरम्ब। हेरम्ब नाम रख के बच्चे को लाड करके बहुत सारा आभूषण भोजन नैवेद्य विभिन्न प्रकार के पुष्प इत्र आदि भेंट करके पार्वती के लिए भी साड़ी वस्त्र आभूषण श्रृंगार आदि भेंट करके वहां से बड़े प्रसन्नता के साथ हिमालय राज वहां से निकलते हैं।